तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा BGMI 1.6 के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी फॉर रियलमी GT। तो यहाँ पर मेरे पास है आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरियंट, और रियलमी GT जो मास्टर एडिशन है उसमें भी ये सेंसिटिविटी आपको वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, आज क्लोज फाइट की नॉलेज देने वाला हूँ पूरे गेम प्लो को इम्प्रूव करने के लिए, और जीरो रिकॉयल कैसे कर सकते हैं तो कंप्लीट नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फोन में 90 FPS का ऑप्शन हटा दिया गया, क्योंकि 90 FPS में गेम प्ले करने से, ज़्यादा गेम प्ले करने से आपको हीटिंग इशू होगी, जिसके से बैटरी ड्रेन होगा, समझ गए? तो मैं भी यहाँ पर अभी 4-5 घंटे ट्रेनिंग मोड में जाकर सेंसिटिविटी बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं भी इसको 40 FPS में ही गेम प्ले करूँगा, समझ गए? ज़्यादा बैटरी ड्रेन होने की वजह से जो है आपका डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए? तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता है मैं आप लोगों को कितना हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, आप लोग जो भी बोलते हो मैं आप लोग हर बात को पूरा करता हूँ, इंस्टाग्राम पर 24 आवर हेल्प करता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है आपको एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट मत करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अटैचमेंट मैंने ले लिया है, बिना अटैचमेंट के आप रिकॉल कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गए? तो अटैचमेंट आपको जरूर लगाया करें, और मैंने अभी क्या लगाया वो आपने देख लिया, वर्टिकल फोरग्रिप वगैरह जो लगाया। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूँगा, ज्ञान ये है कि अगर आप वाकई अपने पूरे गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहते हो सेंसिटिविटी के साथ साथ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप पहले भी बॉट की तरह खेल रहे थे, आज भी बॉट की तरह खेल रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखता हूँ सिर्फ कोड मांगते आकर के, भाई कोड दे दो, कोड पेस्ट कर लूँगा जाकर सीधा और मेरी सेंसिटिविटी जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो कोड पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया का कितना अच्छा सेंसिटिविटी अगर आपको बना के दे दूँ, अगर आपका जो हैंड है उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है, सेंसिटिविटी कंट्रोल करने पर हैंड का आपका कमांड नहीं है, तो आप कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पूरे सेंसिटिविटी को आपको कंट्रोल कैसे करना है, क्लोज फाइट में जब आपके ऊपर रस होता है तो वहाँ पर आप स्क्वाड को क्लच नहीं कर पाते हो, आपका कवाड़ा बन जाता है। तो क्लोज फाइट के लिए पूरी आपको नॉलेज दूंगा, वो भी सीखो, तभी जाकर के आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा ना। लोग साल 1.5 साल से गेमिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज का गेम प्ले इंप्रूव क्यों नहीं होता, यही कारण है, सिर्फ आकर के कमेंट में बोलते भाई कोड दे दो, कोड दे दो, कोड लेने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि क्लोज फाइट में हम लोग क्या होता है, क्लोज फाइट के लिए मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, फास्ट मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जीरो रिकॉल तो जो हम लोग लॉन्ग स्प्रे करते हैं वहाँ पर 300-400 मीटर पर तब काम आता है, लेकिन उससे पहले क्लोज फाइट दिखाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा रेड डॉट वगैरह। तो आयरन साइड जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ, आयरन साइड में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही थी, और फास्ट जिग्गल वगैरह जो होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फास्ट जिग्गल, फास्ट स्प्रिंट, पूरे गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस लेसन, उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हो, समझ गए? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे हम रेड डॉट से। तो रेड डॉट का यहाँ पर मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज रेड मान लेते हैं कि 3-4 बंदे यहाँ से आपको फायरिंग कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से फायरिंग कर रहे हैं, तो उसको एक स्प्रे में कैसे डाउन करना है, तो इसीलिए इस टाइप का मूवमेंट, ये देखो इस टाइप का जो मूवमेंट मैं अभी करके दिखा रहा हूँ ना, ये मूवमेंट डेली होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डेली आके प्रैक्टिस करो, कम से कम 10-15 मिनट आपको ट्रेनिंग बोर्ड में, समझ गए? तभी जाकर के आपका गेम प्ले इंप्रूव होने वाला है। क्लासिक आप 2 घंटा खेलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर 10 मिनट ट्रेनिंग कर लो तो आपके गेम प्ले को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलती है, समझ गए? अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि भागते हुए गाड़ी या भागते हुए एनिमी को डाउन कैसे करना है। देखो तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है सेंसिटिविटी का, आपको डेली करना पड़ेगा। रूफ़ का जो एज है उसके ऊपर से आपको, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया था, रूफ़ का जो एज है इसके ऊपर से आपको इस तरीके से फायरिंग करना है, एज के बाहर आपका स्कोप नहीं जाना चाहिए, आपको अप एंड डाउन डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका क्लोज फाइट इंप्रूव होने वाला है। अगर आपका क्लोज फाइट इंप्रूव हो गया ना, तो जीरो रिकॉल वाला जो है वो मैटर नहीं करता है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो आपका स्कोपिंग है, क्लोज फाइट है, जिग्गल है, आपको स्प्रिंट सेंसिटिविटी है, उसके बाद आपको स्क्वाड क्लच करने के टाइम में आपको जंप एंड प्रोन क्राउच वगैरह सारा कुछ सीखना पड़ेगा, समझ गए? तभी जाकर के आपकी पूरी सेंसिटिविटी इंप्रूव होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, एक एक स्कोप का बनाऊंगा और आपको सेंसिटिविटी यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, समझ गए? तो वीडियो को पूरी आप जरूर देखना। तो 3x को जब लोग क्लोज फाइट में यूज़ करते हैं, तो क्लोज फाइट में क्या होता है, मिड रेंज में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को स्कोप ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है, तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छा से मिला लिया है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, नो डाउट। और इसका जो स्कोप का जो आपको ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है बहुत फास्ट है, समझ गए? यहाँ पर मैं ओपनिंग क्लोजिंग टाइम जो कर रहा हूँ बहुत ही फास्ट है। आपको कभी कभी क्या होता है कि जायरो डीले होने की वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आती है, बट इस फोन में कोई जायरो डीले नहीं है, और इस फोन का जो है एक प्रोसेसर अच्छा होने के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्मूथ देखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक कर लेते थोड़ा सा।
स्टेबिलिटी भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, मेरा जो स्कोप है उसका रिकॉल ज़्यादा नहीं, ना वाइब्रेशन ज़्यादा है, समझ गए। बाकी ये एंड्रॉयड है, थोड़ा बहुत रिकॉल तो होगा ही। एक बार यहाँ पर हम लोग 400 मीटर पर मार्क करते हैं, 400 मीटर पर थोड़ा सा हम लोग रिकॉल चेक कर लेते हैं, क्योंकि 400 मीटर पर जनरली क्या होता है कि आपको बंदे भी ढंग से दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम लोग फिर भी 400 मीटर पर यहाँ पर अगर फायरिंग करके चेक कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिकॉल कंट्रोल थोड़ा देखने को मिल रहा है। अगर प्रोन होने की बात करें तो प्रोन होने के बाद जो है आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब 4X की बात कर लें तो यहाँ पर 4X को आपको किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए 4X में थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी यहाँ पर ट्राई करेंगे अच्छा खासा यहाँ पर इसको सेंसिटिविटी बनाने का। स्कोपिंग करते टाइम यहाँ पर 4X में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है। बाय द वे, स्कोपिंग अगर आपको अलग से सीखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आराम से देख लो। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा 4X को लोग क्या करते हैं कि जब स्प्रे करते हैं उसको ऊपर की तरफ भागता है, तो 4X को यहाँ पर मैंने कंट्रोल करने के लिए जैरो पे अभी खेल रहा हूँ, तो जैरो से कंट्रोल करूँगा। जो लोग जैरो से नहीं खेलते वो क्या करते हैं, अपने जब फायरिंग करते टाइम कैमरे को फिंगर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तभी जा करके उसका रिकॉल कंट्रोल होता है। अभी यहाँ पर 400 मीटर पर मार करके हम लोग एक बार स्प्रे करेंगे तो 400 मीटर पर देखेंगे जनरली उतना रिकॉल देखने को नहीं मिलता है, समझ गए। अभी प्रोन होने के बाद यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो प्रोन होकर के यहाँ पर वाइब्रेशन रिकॉर्ड दोनों ही बहुत कम है। तो मेरा एक पर्सनल आपसे सजेशन है कि जब आपको टाइम मिलता है तो आप प्रोन होकर के स्प्रे किया करो, समझ गए। 6X की अगर हम लोग बात कर लें तो 6X को क्लोज फाइट में, मिड रेंज में, लॉन्ग रेंज में सभी लोग चलाते हैं, क्योंकि 6X M4 के साथ में सबका फेवरेट है, समझ गए। तो मैंने इसको बना लिया 3X, तो 3X की सेंसी अब वर्क करेगी। स्कोप ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम इसका बहुत फास्ट है, कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं आ रही है, और रिकॉल भी काफ़ी हद तक 6X का कंट्रोल है, समझ गए। तो क्लोज फाइट में आपको स्कोप ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लोज फाइट के लिए आपको एनिमी जैसे मिला, आपको ऐसा नहीं कि स्कोप खोल करके चारों तरफ घुमा के देखना तब एनिमी ढूंढना, नहीं, एक बार में स्कोप आपका एनिमी के हेड पे ही खुलना चाहिए, बॉडी पे भी नहीं, हेड पे ही खुलना चाहिए। अगर मूवमेंट की बात कर लें यहाँ पर तो मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आपको क्लोज फाइट में, 3-4 एनिमी को मूवमेंट जब हो रहा है, वहाँ पर एनिमी भाग रहा है, तो आपको मूवमेंट करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, समझ गए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी 400-500 मीटर पर स्प्रे करके चेक कर लेते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पर अगर हम चेक करें तो स्टेबिलिटी में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 400-500 मीटर में। 6X का जो यहाँ पर रिकॉइल वाइब्रेशन दोनों ही बहुत कम है। इस फोन में मुझे एक खासियत ये लगी है कि वाइब्रेशन स्कोप का बहुत ही कम हो रहा है, और स्मूथनेस भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 FPS तो मिलेगा ही, बट मैं यहाँ पर 90 FPS नहीं रखा हूँ, 40 FPS भी गेम प्ले कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा 8X की बात कर लेते हैं, तो 8X हम लोग जनरली स्नैपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। 8X को यहाँ पर थोड़ा सा 8X क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोप को होल्ड मोड पे रख कर स्नैपिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्नैपिंग पूरा आपको इंप्रूव होने वाला, समझ गए। बाय द वे, मैं स्नैपिंग के लिए भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो जाकर के आप देख लो, कंप्लीट उसमें ज्ञान है कैसे स्नैपिंग करना है आपको, प्रो प्लेयर की तरह आपको कैसे बनना, नूब से प्रो का जो पूरा सीरीज है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको स्कोप को जब खोलते हो तो स्कोप को खोल करके जब मूवमेंट होता है स्कोप का, वो होना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा को बढ़ा कर रखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कैमरा को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा करके रखा हूँ, समझ गए। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर पूरा सेटिंग दिखा देता हूँ। तो बेसिक सेटिंग की यहाँ पर अगर बात करें तो बेसिक में मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, तो बेसिक में मैंने यहाँ पर जो स्कोप मोड है, लीन मोड है, उसको होल्ड पर रखा हूँ, और जैरो स्कोप मैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन रखा हूँ। आपको अभी ऑलवेज ऑन रखना है क्योंकि ये विदाउट जैरो वाला सेंसी नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पर मैंने बेसिक सेटिंग जो है, फ्री लुक वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा का भी आप अपने हिसाब से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा का रिकॉल से कोई लेन देन नहीं है, आपको जितना अच्छा लगता है अपने हिसाब से रख लो, मेरे को इतना अच्छा लगा मैंने इतना रख लिया। मेन होता है आपका ADS को आपको छेड़छाड़ यहाँ पर कुल भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ADS मैंने जितना रखा आप भी उतना ही पर रखो, नहीं तो फिर रिकॉल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर मेरे को आप जा करके पूछोगे, बात करोगे या नेगेटिव कमेंट करोगे, समझ गए। तो आपका जो नॉइज़ स्कोप वाला ADS है मैं यहाँ पर पूरा बढ़ा के रखा हूँ, क्योंकि एक बार में जब मूवमेंट होता है फायरिंग करते तो आपको 180 डिग्री मूव होना चाहिए, समझ गए। और डिटोट वगैरह मैंने जितना पे रखा हुआ है आपको भी इतना ही पे रखना है, कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब हम लोग बात करें जेरोस्कोप की, तो जेरोस्कोप मैंने यहाँ पर नॉइज़ स्कोप वाला और जो रेडोट है मैंने उसको पूरा फुल पे रखा हुआ, 400 पे रखा हुआ है। एक बार में अगर आप 400 कर दोगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, समझ गए। तो इसलिए आपको एक बार में पहले 200 रखो, फिर 250, फिर 300, फिर 400 पे आओ, समझ गए। उसके बाद स्कोप वाला जो जायरो है ना उसको आपको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, स्कोप वाला मैं जितना पे रखा हूँ आपको भी उतना पे रखना है। ADS की बात कर लें तो यहाँ पर ADS जायरो स्कोप में मैंने यहाँ पर जितना रखा आपको उतना ही रखना है, रिकॉयल का बहुत ही लेन देन पड़ता है इसके ऊपर में, रिकॉयल अगर छेड़छाड़ कर दोगे तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आने वाली है, समझ गए। तो जिसको मैं जितना पे रखा आपको उतना ही पे रखना है। अब यहाँ पर अगर कोड की बात कर लें तो कोड यहाँ पर देता हूँ,
ये कोड आप नोट डाउन कर लो, कुछ दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आना, मैं आपको लेटेस्ट कोड दे दूँगा। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।